नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 17 खेला जाएगा 19 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 2 बजे से, यानी कि 2 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के ODI रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि इस मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीत कर क्या करना चाहिए। इसके अलावा इस मैच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि इस मुकाबले के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच के लिए पुणे की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए, वो काफ़ी अच्छी है, जहां बारिश की फोरकास्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सबसे पहले टेम्परेचर्स की बात कर लें, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन में आपको धूप खिली हुई नजर आएगी और मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, जबकि रात में भी बारिश होने की संभावना 0% है। तो ऐसे में आपको होपफुली ये मैच बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल ODI मैचेस की बात कर लें, जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 7 ODI मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 307 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 281 रन्स का रहा है। तो आप इन ओवरऑल ODI मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते हुए हैं। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर टोटल 11 पिचेस हैं, और इनमें से 4 पिचेस का इस्तेमाल वर्ल्ड कप 2023 के दौरान किया जाएगा, और ये सभी 4 पिचेस ब्लैक सॉइल से बनी हैं। ब्लैक सॉइल की पिच पर आपको काफ़ी अच्छा पेस और बाउंस देखने को मिलता है, जिस वजह से इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफ़ी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर काफ़ी अच्छी गति और उछाल के साथ आती है, और इस पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स काफ़ी आसानी के साथ खेल पाते हैं। यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। जो पिछले 3 वनडे मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उन 3 मैचेस की 5 पारियों में आपको 300 के ऊपर स्कोर्स देखने को मिले हैं। तो ये आंकड़ा आपको क्लियर कर देता है कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को कितना ज़्यादा मदद कर रही है, और इस मैच में भी ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले मुकाबले में फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बैटिंग फ्रेंडली होगी। आपको एक फ्लैट पिच देखने को मिलेगी, जिस पर दोनों टीमों के बल्लेबाज काफी इंजॉय करेंगे बल्लेबाजी करना। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। हालांकि इस मैदान के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा फास्ट है, तो अगर फ्लैट पिच होती है तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा चौकों छक्कों की उम्मीद भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 3 मुकाबले इस मैदान पर चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उनमें से एक मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 350 के ऊपर के स्कोर को सक्सेसफुली चेस किया था, जबकि एक मुकाबले में इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ 340 रन के आसपास के स्कोर को भी आसानी के साथ चेस कर लिया था। तो आप इन आंकड़ों से देख सकते हो कि इस मैदान पर 340 और 350 के स्कोर भी चेस हो सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है।
और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरी पारी में आपको थोड़ी बहुत ड्यू भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ड्यू आती है दूसरी पारी में तो फिर सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करने वाली टीम को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, जबकि पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ड्यू फैक्टर की वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है और चेस करने वाली टीम को इस मैच में भी एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल ओडीआई मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया का है इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल इंडिया का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 232 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया ने किया है इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो वेस्टइंडीज ने किया है इंडिया के खिलाफ 283 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल ओडीआई मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 200 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में एक बार भी नहीं बनाया, जबकि 200 से 249 के बीच में टीम्स ने एक बार स्कोर किया है। 250 से 299 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर बनाया है और 300 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में 5 बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो ओवरऑल ओडीआई मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, इसी वजह से इस मैदान पे ज्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 300 के ऊपर देखने को मिले हैं। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए आप 300 के आसपास का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप मौजूद है। ऐसे में टीम इंडिया आपको पहली पारी में 350 के आसपास या फिर 350 के ऊपर का स्कोर भी बनाते हुए नजर आ सकती है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 ओडीआई मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 36 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि सिर्फ 6 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 30 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट लिए हैं, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। तो आप इन लास्ट 3 ओडीआई मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, इस वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। खास तौर पर जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि शुरुआती 10 ओवर्स, वहां पर तेज गेंदबाजों को इस पिच से काफी ज्यादा मदद मिलती है। नई गेंद उनकी हवा में स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से काफी अच्छा सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसके अलावा इस पिच पर बहुत अच्छा बाउंस भी मौजूद है, तो बाउंस का भी फायदा उठाकर पावर प्ले ओवर्स में तेज गेंदबाज काफी विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन हो जाती है, लेकिन इस पिच पर बाउंस पूरे मैच के दौरान मौजूद रहता है और ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपको पूरे मैच में काफी इफेक्टिव होते हुए नजर आते हैं। स्पिनर्स की अगर हम बात कर लें तो हाल फिलहाल में जो वनडे मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहां पर स्पिनर्स को पिच से बहुत ज्यादा ग्रिप और टर्न नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रिप और टर्न स्पिनर्स को मिल सकती है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, तो वो मिडिल ओवर्स में इस पिच पर आपको विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन शायद इस मैच में स्पिनर्स की भूमिका उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी जितना कि इंडिया के और मैदानों पे है। यहां पर आपको तेज गेंदबाज स्पिनर्स के मुकाबले ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 17 के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।